गाइज, आज मैं आप लोगों को दुनिया की 7 सबसे बेहतरीन डॉक्टर से मिलवाने वाला हूँ। ऐसे डॉक्टर जो आपको स्वस्थ रखने में और आपकी लंबी उम्र देने में मदद करते हैं। सबसे पहला नंबर पर आता है 6 से 7 घंटे की गहरी नींद। दूसरा, सूरज की किरणें। तीसरा है सुबह सुबह साफ हवा में घूमना। चौथा, वर्कआउट करना। पाँचवा, शुद्ध शाकाहारी खाना खाना। छठा, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। सातवां है हंसना। गाइज, ये 7 ऐसे डॉक्टर है जो आपकी लाइफ बना सकता है, आपको स्वस्थ बना सकता है और आपकी लंबी उम्र भी दे सकता है। गाइज, है ना ये अमेजिंग फैक्ट। गाइज, ये इन्फॉर्मेटिंग वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइज, क्या आपके स्किन पे दाग धब्बे हैं, या फिर आपके फेस पे मुहासे हैं, या फिर आपके स्किन साफ नहीं है, तो इसके पीछे का कारण हो सकता है आपका खून का साफ ना होना। और अगर आप अपने खून को साफ घरेलू नुस्खे से करना चाहते हैं तो मेरे पास एक घरेलू हेल्थ टिप्स है जिसकी मदद से आप अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है आपको, आप 1 महीने तक लगातार खाली पेट किशमिश का पानी पीना है। जी हाँ गाइज, किशमिश का पानी यानी कि रिजल का पानी सुबह सुबह खाली पेट खाने से पानी आपका खून साफ कर देगा, जिसकी वजह से जो आपकी प्रॉब्लम है फेस पर मुहासे आना, दाग धब्बे या आपका स्किन का साफ ना होना, ये सब मिट जाएगा। गाइज, है नए अमेजिंग टिप्स। ऐसे ही अमेजिंग टिप्स जानने के लिए यूट्यूब में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइज, क्या शैम्पू इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपका हेयर फॉल हो रहा है, यानी कि बाल झड़ रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपका शैम्पू इस्तेमाल करने का तरीका शायद सही नहीं है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप लोग बिना तेल लगाए शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपका बाल ड्राई होगा और उसी से कमज़ोर होकर बाल झड़ने लगता है। तो इसीलिए गाइज, अगर आप लोग शैम्पू इस्तेमाल करने वाले हैं तो उसके जस्ट 1 घंटा पहले आप अपने बालों पर चम्पी जरूर करें। चम्पी यानी कि अपने बालों पे तेल जरूर लगाए, उससे क्या होगा, आपका बाल सॉफ्ट होगा और मजबूत भी होगा और आपका बाल झड़ना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। गाइज, है ना ये अमेजिंग टिप्स। ऐसे ही अमेजिंग टिप्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइज, क्या आपको भी हेयर फॉल और डैंड्रफ की शिकायत बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आपके लिए मेरे पास एक घरेलू उपचार है जिसके इस्तेमाल करने से आप अपने बालों को स्वस्थ बना सकते हैं। वो क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको लेना है बीट रूट यानी कि चकुंदर लेना है, उसे पानी में रखना है और उसे बॉयल करना है, और उस बॉयल्ड वाटर को आप अपने स्काल्प यानी कि खोपड़ी पे लगाना है और उसे कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद आप अपने बालों को गुनगुने पानी से धो लीजिए। ऐसा करने से आपका बाल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और इसके अलावा आपका जो ये प्रॉब्लम है हेयर फॉल और डेंड्रफ की, ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। गाइज, है नए अमेजिंग टिप्स। ऐसे ही अमेजिंग टिप्स जानने के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइज, भगवान ने ना इंसान नामक एक बहुत ही गजब की मशीन बनाई है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। चलिए, इसे आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। क्या आपको पता है कि जब आपको उल्टी आने वाली होती है तो उससे 30 से 35 सेकंड पहले आपका मुंह पूरा का पूरा लार से भर जाएगा। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ऐसा इसीलिए होता है कि जो आपका लार है वो क्षारीय यानी कि बेसिक नेचर का होता है, और जब आपको उल्टी आने वाली होती है तो आपके पेट से खतरनाक एसिड भी आपके मुँह में आने वाला होता है। तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए और आपको मुँह के बचाने के लिए ये लार पैदा होता है, और उसके अलावा आपके मुंह में 30 से 35 सेकंड पर लार पैदा होता है, वो इस चीज़ का भी इंडिकेट करता है कि आपको उल्टी आ सकती है। गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी 4 सेक्शन में ज़रूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए यूट्यूब में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको एडल्ट वीडियो देखने का लत लग चुके हैं और अगर आप इस लत से बाहर आना चाहते हैं और ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। सबसे पहला है, आप अपने अकेले रहने की आदत को सुधारिए। आप अकेले रहने से बचिए, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और जब आप अकेले रहते हैं तो ऐसे वीडियो देखने के विचार आपको ज़्यादा आएंगे। तो इसीलिए गाइज,
आप अपना ज़्यादातर समय अपने फैमिली के साथ बिताइए या फिर अपने फ्रेंड के साथ बिताइए। और दूसरा, कोई भी रिलीजियस बुक को पढ़िए और हो सके तो दिन में कम से कम एक बार ऊपर वाले को याद कीजिए, और ऐसा करने से आपको ये वीडियो भी देखने के विचार नहीं आएंगे। और तीसरा, आप अपने ज़िंदगी को एक लक्ष्य दीजिए और उसे पूरा करने के लिए आप अपने पूरे एफर्ट को लगाइए। जब आप अपने आप को व्यस्त रखेंगे तो ऐसे वीडियो देखने के विचार आपसे दूर चले जाते जाएंगे। गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी 4 सेक्शन में ज़रूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइज, अगर आप अपनी बाकी की लाइफ स्वस्थ और बिना डॉक्टर के बिताना चाहते हैं तो इन बातों को ध्यान रखिए। 1, सुबह में फलों का रस, दोपहर में लस्सी या छाछ और रात को दूध जरूर पिए। 2, कि जब भी आप रातों को भोजन कर ले तो कम से कम 1000 कदम चले। 3, फल खाने के बाद या फिर स्वीट्स यानी कि मीठा खाने के बाद पानी बिल्कुल ना पिए। 4, कि जब भी आप पानी पिए तो बैठ कर पिए और घुट घुट कर पानी पिए। गाइज, इन आदतों को ध्यान रखने से आप अपनी बाकी के लाइफ स्वस्थ बिता सकते हैं, वो भी बिना डॉक्टर के। गाइज, है ना ये अमेजिंग टिप्स? ऐसे ही अमेजिंग टिप्स जानने के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइज, क्या आप दिन में सोते हैं? अगर आप दिन में सोते हैं तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये आदत आपकी सेहत और आपके काम के लिए बहुत अच्छा मानी जाती है। एक स्टडी से पता चला है कि जो लोग दिन में छोटे छोटे पावर नैप लेते हैं उनकी क्रिएटिविटी और फोकस बढ़ते हैं, और बाकी बचे हुए दिन में आप फ्रेश फील करेंगे। ना सिर्फ इतना, साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च में ये भी पता लगाया है कि जो लोग दिन में पावर नैप लेते हैं उनकी हार्ट अटैक से मरने की चांसेस 30% से कम हो जाते हैं उन लोगों से जो लोग पूरे दिन काम करते रहते हैं। गाइज, है ना ये अमेजिंग फैक्ट? ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। केला, आजकल के भागती दौड़ती जिंदगी में स्पेशल स्टूडेंट के लिए और नौकरी पेशा बैचलर यहाँ तक कि गर्भावस्था में माँ के लिए भी किसी वरदान फ्रूट से कम नहीं है। ना तो धोने का झंझट, ना तो काटने का झंझट, सीधा छीलो और खा लो। लेकिन गाइज, क्या आपको पता है केला कभी भी शाम को या रात को नहीं खाना चाहिए? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि केला अगर आप शाम को या रात को खाते हैं तो आपको तेज खांसी होने की समस्या हो सकती है। इनफैक्ट आयुर्वेद के हिसाब से केला खाने का सही समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ही है। ये हेल्थ टिप्स जान के आपको कैसा लगा 4 सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइज, कई बार आपने नोट किया होगा कि खाना खाने के जस्ट बाद हमारे सीने में जलन होने लगती है, और अगर गलती से हम अगर स्पाइसी फूड खा ले तो ये जलन और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके पीछे का कारण है खाने से प्रोड्यूस होने वाला एसिड, और अगर आप इसे कम करना चाहते हैं तो मेरे पास एक सिंपल सा उपाय है। वो क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। वो है कि जब आप खाना खाए उसके जस्ट बाद आप च्युइंगम चबाए। आप च्युइंगम चबाने से क्या होगा? जी हाँ गाइस, च्युइंगम चबाने से हमारे अंदर क्या होगा, सलाइवा प्रोड्यूस होगा, जो कि बेसिक नेचर का होता है, और वो हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारे खाने से प्रोड्यूस होने वाला एसिड को ये न्यूट्रलाइज कर देगा, और उससे क्या होगा, जो हमारे सीने में जो जलन है और ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी। गाइज, है ना ये अमेजिंग फैक्ट? ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइज, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, और अगर आप अपने हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं तो मेरे ये 2 फैक्ट आपको बहुत काम आ सकता है। फैक्ट 1, कि अगर आप दिन में 10 से 15 मिनट तक रस्सी कूदते हैं तो ये आपकी शरीर की 200 कैलोरी बर्न कर सकती है। इतनी अच्छी एक्सरसाइज है और ये कार्डियो में बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है। फैक्ट 2, साइंटिस्ट लोगों ने एक रिसर्च से ये पता लगाया है कि जो लोग ज़्यादातर अपने समय इंडोर बिताते हैं उनकी आँखों की और उनकी इम्यूनिटी के वीक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इसलिए गाइज, थोड़ा बाहर निकलिए और साफ हवा खाइए। गाइज, है ना ये अमेजिंग फैक्ट? ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए यूट्यूब में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइज, क्या आपको आपके शरीर में
ताकत कम सी लगती है या फिर पूरे दिन काम करते समय एनर्जी लो सी फील करते हैं, तो आपके लिए मेरे पास एक हेल्थ टिप है। चलिए मैं बताता हूँ। आपको सुबह नाश्ते में एक अंकुर चना लेना है, उसमें नींबू निचोड़ना है, उसके बाद उसके साथ साथ उसमें छोटे छोटे टुकड़े अदरक के डालने हैं और उसमें स्वाद अनुसार नमक और काली मिर्च। ये सब नाश्ता खाने से आपको अपने शरीर में भरपूर एनर्जी फील होगी और आपको थकावट भी कम लगेगी और आपकी ताकत भी बढ़ती जाएगी। गाइज, ये हेल्थ टिप्स जान के आपको कैसी लगी चार सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइज, क्या आपके मुंह से बदबू आते हैं या फिर आपके मुंह में दर्द रहता है, तो एक घरेलू हेल्थ टिप्स है मेरे पास। वो क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ। वो है अमरूद की पत्तियाँ। जी हाँ गाइज, अमरूद की पत्तियाँ चबाने से आपके मुंह में जो बदबू है यानी कि दुर्गंध आपको चला जाएगा, या फिर आपके मुंह में दर्द रहता है तो अमरूद की पत्तियाँ चबाने से आपके दर्द में भी बहुत राहत मिलते हैं। गाइज, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका पेट खराब है या आपको पेट में दर्द की शिकायत है तो ये घरेलू हेल्थ टिप्स आपके लिए। एक्चुअली खराब पेट के लिए अदरक एक कारगर इलाज है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली अदरक में एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल तत्व होते हैं, जिससे अगर आपके पेट में दर्द है उससे तुरंत छुटकारा मिलता है। करना क्या है आपको, एक चम्मच अदरक का पाउडर लेना है और उसे दूध में मिलाना है और उसे कंज्यूम करना है। गाइज, ये कंज्यूम करने से आपका पेट में अगर दर्द है तो उसे तुरंत छुटकारा मिल जाता है। गाइज, अगली बार आपका जब पेट दुखे और आपके पास दवाई ना हो और आप दवाई ना लेना चाहते हो तो ये घरेलू हेल्थ टिप्स ज़रूर अपनाइएगा। गाइज, ये हेल्थ टिप्स एंड अमेजिंग फैक्ट आपको कैसी लगी चार सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।